जी आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। टैब 4 लेक्चर नंबर 33। साउंड क्लियर है भाई? एंड पे जो बैठे हैं ज्यादा तो नहीं है, ऊंच नीच करने की जरूरत तो नहीं भाई आप, ठीक थोड़ा सा कम कर देते जी अब ठीक है। ज्यादा हो गया या ज्यादा कम हो गया? अच्छा चलिए, आज हमने कल जो लेक्चर कंसेप्ट डिस्कस किया था, हमने कौन सा कंसेप्ट था? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज उसके क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करवाए, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि अगर लेक्चर के दौरान में कोई कमी बेची रह भी गई थी, क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए रिवीजन भी हो जाए और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। लेकिन क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आपको कंसेप्ट में इशू है तो वो पूछ लीजिए, वरना क्वेश्चन के दौरान में भी डिस्कशन होती रहेगी, रिवीजन होती रहेगी, उससे पहले भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकते हैं। जी मेरे भाई, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का मतलब है कि दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी कर ली और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। इसमें कुछ भी नहीं मजीद, इसमें सिर्फ यह कि ये गुड एंडिंग हो गई, दोनों पार्टी ने अपना अपना काम खत्म कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म, अपने अपने घर जाएं सोए स्कूल से, कोई इशू नहीं। डिस्चार्ज का मतलब है खत्म हो जाना, खत्म हो जाना, डिस्चार्ज का खत्म। अब वो खत्म होने का एक तरीका है कंप्लीट हो जाना, ये भी एक खत्म है। और जब कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है तो ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, लेकिन ये बैड एंडिंग है, ठीक है। तो डिस्चार्ज का मतलब खत्म हो जाना है, कंप्लीट होना नहीं है। परफॉर्मेंस का मतलब है कंप्लीट होना, ठीक है जी। डिस्चार्ज मतलब एंड होना, कॉन्ट्रैक्ट की अब कोई लीगल स्टेटस नहीं रहा उसका। और कोई क्वेश्चन जी? नॉन एग्जिस्टेंस या नॉन ऑकरेंस का मतलब यह है कि अगर आपका आप एक मिनट आ रहे, आपने एक डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट या कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा कोई? ये क्या होता है कि जब हमारी परफॉर्मेंस किसी कंडीशन पे बेस कर रही हो, अगर वो कंडीशन अगर होगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे वरना नहीं करेंगे, ऐसे ही होता है ना कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसे ही होता है। जब हम किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो और उसको डिपेंड कर रहे हैं किसी कंडीशन के साथ कि जब ये चीज होगी तो फिर उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, और वो चीज ना हो, जैसे अगर मैं इस्लामाबाद फोन करके कहूं कि मैं परेड देखने के लिए रूम बुक करवा रहा हूं, अब ये एक तरह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मैंने कम्युनिकेट कर दिया ना मेरे पास, तो कॉन्ट्रैक्ट मेरा डिपेंडेंट हो गया, कंटिजेंट हो गया परेड के ऊपर। अब अगर वो परेड होगी तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अगर परेड नहीं होगी तो वाइड इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है, सुपरविजन इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उसे कंटिजेंट कर दूं, डिपेंडेंट कर दूं दो चीजों के ऊपर, और एक हो और एक ना हो, तो फिर ये पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है कि वॉइड हो जाता है? वैलिड रहता है, ठीक है, वो वैलिड रहेगा। क्लियर हो गया मेरे भाई? ठीक है, ये नॉन एग्जिस्टेंस या नॉन अकरेंस को आप कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ लिंक करेंगे, आपको फौरन समझ आ जाएगा। कोई और क्वेश्चन जी? एक मिनट जी, नहीं आपके पीछे सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी में है, जिसमें दो केसेस है ना सुपरविनिंग में, एक वो जिसमें सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी अलाउ होती है, एक वो जिसमें अलाउ नहीं होती, मन उसमें क्या डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी। मैं दर्जी से कहा मेरा सूट सी दो, हफ्ते बाद से कहा आ जाएगा, हफ्ते बाद मैं गया सूट नहीं सिया, मैंने कहा क्यों? उसने कहा वो मेरा कारीगर जो है वो उसके गाँव में किसी की डेथ हो गया, वो तो गया हुआ हफ्ते बाद आएगा, वो क्या मैं उसके खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर सकता हूँ? वो कहेगा ये तो सर सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, मेरा कसूर थोड़ी है, ये तो थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा था, मैं वो थर्ड पार्टी का कसूर, आप उसके खिलाफ केस करें ना, क्या मैं थर्ड पार्टी के खिलाफ केस करूंगा? इसी पार्टी का ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ जो भी अरेंजमेंट थी वो उस बंदे ने करनी है, वो मैंने थोड़ी करनी थी। इसी तरह हम किसी को फर्नीचर का ऑर्डर देते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए उसे लकड़ी चाहिए, अब उसका उस पार्टी का जिसके साथ हमने एग्रीमेंट किया उसका अपना सप्लायर उसको टाइम पे लकड़ी नहीं देता, तो क्या ये सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी? नहीं, हम कहेंगे हमें इसे गर्ज नहीं है कि आपका थर्ड पार्टी के साथ क्या लेना देना है, अगर थर्ड पार्टी ने आपके ड्यू डेट पे नहीं काम किया तो आप उसके खिलाफ एक्शन लें, आप उसके खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, हम तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो इंटैक्ट है, आपको ड्यू डेट के ऊपर गुड्स डिलीवर करनी चाहिए थी, आपने नहीं की, थर्ड पार्टी का डिफॉल्ट है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसको हम सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं लेके जाएंगे, इसमें लॉ इसको इम्पॉसिबल नहीं समझता। और कोई क्वेश्चन जी? एक मिनट जी, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो कहता है कि जब पर्सनली आप किसी कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो और आपके इनकैपेबिलिटी हो जाए, जैसे पेंटर से हमने कहा कि पेंट बनानी है और फर्ज कीजिए उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो पेंटिंग नहीं कर सकता, या उसका हाथ खराब हो गया पेंटिंग नहीं कर सकता, अगर इसी तरह हाँ एबनॉर्मल हो जाए, वो पागल हो जाए, ठीक है, तो बिल्कुल वो भी डॉक्टर ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आएगा, वो इम्पॉसिबल है, ठीक है, उसको ला एक्सेप्ट करता है कि अगर कोई पर्सनली इनकैपेबल हो जाए कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से तो वो एग्रीमेंट वाइड डेथ या पर्सनल इनकैपेसिटी की वजह से जी। देखें नोवेशन में और ऑल्ट्रेशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या, ऑल्ट्रेशन में वो स्टाम्प पेपर होता है, जो स्टाम्प पेपर होता है ना हमारा,
उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है। वो कोई सादा कागज भी हो सकता है, लाजमी नहीं है स्टाम्प पेपर के ऊपर ही हो। कुछ कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर करवाना जरूरी होते हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न और रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है, ठीक है। लेकिन फर्ज कीजिए अगर आप उसको रिटर्न फॉर्म में लेके आते हैं तो जिस सफे के ऊपर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है उसी के ऊपर आप एक कांड छांड करते हैं, चीजें चेंज करते हैं, और जहां जहां चेंज कर रहे हैं वहां पर साइन करती जाती है दोनों पार्टीज के, हाँ जी ये हमारी दोनों की मर्जी से हुआ है, ये अल्टरेशन है। लेकिन अगर आपने उसकी जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो याद रखें चाहे पिछले कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशन एज इट इज उठा के नए पे पेश कर दें, एज इट इज, चूंकि नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो ये नोवेशन का केस कहलाएगा, ठीक है। अल्टरेशन में एक और फर्क ला बताता है, कहते हैं अल्टरेशन में जो पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट है वो सेम रहती हैं, नोवेशन में मे भी सेम हो मे भी पार्टीज चेंज हो जाए। आपको कल मैंने एग्जाम्पल बताई थी ना जिसमें पार्टीज चेंज हो रही थी, एक ही सेम, मैंने इस भाई से चेक लिया, अब उसके ऊपर उसकी अमाउंट क्या डेट चेंज करवानी है, तो चेक वही है, ठीक है, उसके ऊपर हम दोनों ने एग्री करके उसकी डेट चेंज कर ली, ये अल्टरेशन है। इसमें पार्टी सेम है, जिस बंदे का चेक है वो भी सेम है, जिस बंदे ने पैसे लेने हैं वो भी सेम है। लेकिन अगर मैंने इनसे पैसे लेके इनको पे करना है और मैं दरमियान से निकल के इन दोनों को डायरेक्ट कर देता हूँ, ये इनोवेशन, इनोवेशन में पार्टीज चेंज हो गई, पहले हम दोनों पार्टीज थे या हम दोनों पार्टीज थे, अब मैं निकल के अब ये दोनों पार्टीज बन गई। तो अल्टरेशन में पार्टीज सेम रहती हैं, इनोवेशन में मे भी सेम रहे मे भी चेंज हो जाए, क्लियर जी। अब कोई क्वेश्चन था जी, प्रोमिजी निगलेक्ट करता है, अगर प्रोमिजी रिफ्यूज कर देता है परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से, यूं कह ले, ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए, हाँ जी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कह सकते हैं इसको, ठीक है। एक पार्टी ने अपना परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए आई, लेकिन प्रोमिजी ने जो काम करना था, जैसे वो थिएटर वाली एग्जाम्पल है, उसमें उसने थिएटर पे उसको माइक वगैरह देने से रिफ्यूज कर दिया या उसको एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कई सिंगर को आपने थिएटर में होटल में आने नहीं देना, अपने गार्ड को कह दिया, तो ये उसने निगलेक्ट किया या रिफ्यूज किया दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म। हमने सिर्फ एक कंसेप्चुअली एक काम किया कि मैंने आपको ये कहा कि इस एग्जाम्पल को म्यूचुअल एग्रीमेंट से उठा के ब्रिज में ले जाएं, कंसेप्चुअली एग्जाम में आएगा तो इधर ही लिखेंगे म्यूचुअल एग्रीमेंट में, लेकिन कंसेप्चुअली मैंने कहा इसको, रीजन क्या है, क्योंकि इसमें एक पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाह रही होती है, दूसरी पार्टी निकल, ये म्यूचुअल का केस नहीं है, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन, आज के लेक्चर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर जी। अच्छा कुछ क्वेश्चन सिंपल हैं, इजी हैं, उनमें मैं कंसेप्ट रिवाइज करवाऊंगा आपसे। क्वेश्चन वन, ये हमारा नहीं लेक्चर नंबर और लर्निंग ऑब्जेक्टिव रेफरेंस को, हाँ ये 33 आज का लेक्चर, हाँ चैप्टर 8 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पहुंच गए सारे, चैप्टर 8 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 आपकी कल की होम असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर ब्रीफली डिस्कस वेदर प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी इन फॉलोइंग केसेस। हमने बताना है कि प्रोमिसर अपनी लायबिलिटी उसकी खत्म हो गई, डिस्चार्ज मीन खत्म हो गई, एंड हो गई या नहीं हुई। वो जाहिर है अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा तो वो अभी भी लायबल है, अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं खत्म हो गया तो उसकी लायबिलिटी भी खत्म। ए अक्रम ओव्स मनी टू बशीर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा इसमें ना मैं अक्सर भूल जाता हूँ, अक्रम और बशीर में पैसों का लेन देन है। उसने कहा अक्रम ओव्स मनी टू बशीर, इसमें पैसे किसने लेने हैं, पैसे किसने वसूल करने हैं, बशीर, हाँ अक्रम मकरू, ओव्स का मतलब होता है मकरूज है, अक्रम मकरूज है बशीर का, यानी अक्रम ने पैसे देने हैं बशीर ने पैसे लेने हैं। इट इज एग्रीड डेट अक्रम बशीर एंड शाजिम, इट इज एग्रीड बिटवीन अक्रम बशीर एंड शाजिम डेट बशीर शल नाउ एक्सेप्ट शाजिम एज हिज डेटर इंस्टेड ऑफ अक्रम। तीनों पार्टी में ये एग्री हुआ कि अब बशीर पैसे अकरम से नहीं लेगा, शाजिम से लेगा। क्या डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ? बिल्कुल हुआ। और ये कौन सा मोड है? म्यूचुअल एग्रीमेंट, नोवेशन। अच्छा अब मुझे बताइए अकरम ने पैसे देने हैं बशीर को, अगर शाजिम पैसे अदा ना करे क्या फिर अकरम ने पैसे देने हैं? फिर भी अकरम पैसे नहीं देगा, क्यों? क्योंकि पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, नोवेशन में यही होता है ना, पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया। अब ये नोवेशन की वो एग्जांपल है जिसमें पार्टी चेंज हो गई है जी। नहीं ये जब उन्होंने एग्री कर लिया, एग्री कर, ये लिखा हुआ इट इज एग्रीड बिटवीन अकरम बशीर एंड शाजिम, तो एग्रीड का मतलब यही है कि उनका एग्रीमेंट हो गया, रिटन फॉर्म में नहीं हुआ होगा शायद, जबान निकला, लेकिन क्या ओरल एग्रीमेंट्स वैलिड होते हैं? बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड। ए क्लियर, बी आजम ओव्स बाबर रुपीज 10,000, आजम मकरूज है बाबर का, आजम ने बाबर को पैसे दिए 10,000, आजम एंटर्स इनटू एग्रीमेंट विद बाबर एंड गिव्स बाबर ए मॉर्टगेज ऑफ हिज आजम स्टेट फॉर रुपीज 5। गिव्स मॉर्टगेज का मतलब क्या है? गिव मॉर्टगेज का मतलब गिरवी के तौर पर उसको दे दिया, भाई ये मेरा घर ले लो आप, बाबर मॉर्टगेज आजम स्टेट फॉर रुपीज 5,000 इन प्लेस ऑफ द डेट ऑफ रुपीज 10,000। 10,000 के डेट की वजह उसने कहा 10,000 का पूरी सेटलमेंट कैसे होगी?
5000 में। यहां पे बेहतर होता अगर वो क्लियर कर देता इन प्लेस ऑफ फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ डेट ऑफ रुपीज 10,000। ठीक है, जो एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा अभी डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल होते हैं। आई कैप का जो 5 रुपए का क्वेश्चन होता है ना, वो 3-4 लोग देखते हैं, तो वो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। 5 रुपए के क्वेश्चन में इस तरह की कंफ्यूजन नहीं आती। एग्जाम्पल जो बुक बना रहा है एक बंदा, वही बना रहा है, तो समटाइम उसके जेहन में आई चीज लिख देता, समटाइम नहीं। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल्स पढ़ते हुए ना, समटाइम आपको लगेगा इन्फॉर्मेशन कुछ कम है, लेकिन जो 5 रुपए के क्वेश्चन होंगे ना, उनमें आपको ये बिगड़ी फील नहीं होगी। इसलिए 5 रुपए का क्वेश्चन 4-5 लोगों की नजरों से गुजरता है, उसमें क्वालिटी कंट्रोल ज्यादा। एग्जाम्पल में बाजू का कोई कमी बेशी, लेकिन जहां पे कमी बेशी हुआ मैं आपको साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा। तो यहां पे वो ये कह रहा है कि मैंने पैसे देने थे, लेकिन उनकी जगह पे 10,000 की जगह पे 5,000 की सेटलमेंट करवाई, कोई घर का हिस्सा दे के किराए पे कि भाई ये अब आपका ये पोर्शन आपका हुआ। क्या आजम ने अब पैसे देने हैं कोई बाबर? लेकिन उसने तो 10,000 देने थे, तो 5,000 दिए हैं, ये रिमिशन है, रिमिशन, रिमिशन का केस क्लियर हो गया। अब उसे कोई भी पैसे नहीं देने। नॉर्मली इसी तरह होता है ना कि कोई बंदा अगर काफी अच्छे से वादे कर रहा हो, हमें पैसे हम कह रहे हैं यार चल सारे ना से जितने तुम्हारे पास है वो दो, उतने तो रिकवर करवाए हम। सी अजमल ओव्स बोरिस रुपीज 10,000 अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। अजमल मकरूज है बोरिस, अजमल ने बोरिस को पैसे देने हैं 10,000। बोरिस ओव्स चंद्रा रुपीज 10,000। आगे बोरिस ने चंद्रा को पैसे देने हैं 10,000, ए ने बी को देने हैं, बी ने आगे सी को देने हैं। बोरिस ऑर्डर्स अजमल टू क्रेडिट चंद्रा विद रुपीज 10,000 इन हिज बुक्स, बट चंद्रा डज नॉट असेंट टू द अरेंजमेंट्स। बोरिस अजमल को कहता है कि भाई तुम ऐसा करो मेरी बजाय ना अब तुमने चंद्रा को पैसे देने, लेकिन चंद्रा क्या कहता है भाई ये मुझे अजमल ने, ठीक है मैंने तुमसे ही पैसे लेने हैं, अजमल से ही पार्टी नहीं है मेरे ख्याल में। क्या अब अजमल ने बोरिस को पैसे देने हैं कि चंद्रा को? सिल्वर चंद्रा ने पैसे किससे वसूल करने हैं? बोरिस। क्या बोरिस ये कह सकता नहीं भाई मैंने तो अजमल को कह दिया उसी से जाके लो? ये उस वक्त वैलिड होता जब पार्टीज की आपस में कंसेंट होती। जब तक तीनों पार्टीज की मर्जी नहीं होगी ना ये एग्रीमेंट नहीं हो सकता नोवेशन का। हाँ चंद्रा एक पार्टी भी नहीं माने, नहीं चंद्रा नहीं मानी ये क्या? आपको कैसे पता चला वो नहीं माना? मैं तो ये हमेशा चंद्रा नहीं माना। चले तो पार्टी जब तक तीनों पार्टीज की कंसेंट नहीं होगी, तीनों पार्टीज की कंसेंट नहीं होगी ये नोवेशन का एग्रीमेंट, नोवेशन के लिए बल्कि एग्रीमेंट में किसी भी किस्म की चेंज के लिए सारी पार्टीज की कंसेंट होना जरूरी है। एक पार्टी की भी कंसेंट नहीं होगी तो एग्रीमेंट नहीं हो सकता। सी क्लियर? जी मेरे भाई। बी में बाबर की कंसेंट नहीं पता। अच्छा केस स्टडी में जिस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं बताई ना उसका कोई मसला नहीं है, उसका कोई मसला होता वो क्वेश्चन में बताता। केस स्टडी में जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं जिसका क्या मतलब है वो सही है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये कि ये अज्यूम कर ले कि जो चीज उसने नहीं बताई वो ठीक है, या अगर जो चीज नहीं बताई ना तो उसका क्या हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज कवर करें कि अगर कंसेंट दिया तो क्या करना है, कंसेंट नहीं दी तो क्या करना है। मैंने दोनों के बजाय क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से अंदाजा लगाया, मुझे लगा वो यही चाह रहा है कि हम कंसेंट की तरफ लेके जाए, लेकिन यहां पर एक मिनट ठहरें, अब भाईजान लिखा था आजम एंटर एग्रीमेंट लिखा तो हुआ है, ये एग्रीमेंट किस चीज का नाम है? उसकी रजामंदी के बगैर एग्रीमेंट कर दिया होगा। अब कहें सर ये तो लिखा एग्रीमेंट हुआ, ये नहीं लिखा फ्री कंसेंट थी कि नहीं थी, लिखा हुआ एग्री हुआ है, उसकी रजामंदी है, आजम और बाबा दोनों की रजामंदी है, कैसे पता चला दोनों की रजामंदी है? डी की तरफ चले जी। ए प्रोमिसेस बी टू सेल एंड मैं केस स्टडी पढ़ लू कोई अच्छी है कि नहीं है? हाँ नहीं ठीक है। आसिफ प्रोमिसेस बेनिश टू सेल एंड डिलीवर 500 बेल्स ऑफ कॉटन ऑन 1st November एट हर वेयर हाउस, एंड बेनिश प्रोमिसेस टू पे फॉर गुड्स ऑन 1st December। आसिफ डज नॉट सप्लाई द गुड्स, ये तो वो हो गया। हाँ डिपेंडेंट कंसिडरेशन, एक पार्टी ने अगर परफॉर्म नहीं किया दूसरी पार्टी लायबल है। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की टाइप्स पड़ी थी ना, शाबाश। कौन कौन सी टाइप्स थी? शाबाश एक मिनट अरे, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट कंकरेंट। लेकिन इसके बाद 3 एग्जांपल और भी थी। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आया तो वो भी छापनी है। फर्स्ट टू डू लीगल एंड देन इलीगल अल्टरनेट प्रॉमिस वाली थी। प्रिवेंटिंग पार्टीज टू परफॉर्म, ये यही वाला था जो हमने कल पढ़ा है, प्रिवेंटिंग पार्टी। चले ठीक है ठीक, ये क्लियर हो गया। अब पेमेंट नहीं होगी क्योंकि गुड डिलीवर नहीं हुई। आगे चलते हैं। ई जाहिद प्रॉमिसेस टू सेल एंड डिलीवर 500 बेल्स ऑफ कॉटन ऑन 1st November एंड यासिर प्रॉमिसेस टू पे गुड्स ऑन 1st December। आफ्टर वर्ड जाहिद एंड यासिर म्यूचुअली डिसाइड दैट द गुड शैल बी डिलीवर्ड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट जाहिद वेयर हाउस। क्या ये बाद में आर्बिट्रेज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, यह पार्टीज के अभी भी लायबल हैं, बिल्कुल लायबल है।
आल्ट्रेशन कह सकते, इसको वैसे इनोवेशन भी नहीं कह सकते, हाँ वो पार्टीज वही है, एग्रीमेंट भी वही है, ठीक है, सिर्फ उन्होंने टर्म एंड कंडीशन चेंज किया है कि सारी की सारी एक ही के बजाय फाइव एक मंथ, ठीक है। बहरहाल दोनों सूरतों में, चाहे आल्ट्रेशन की तरफ लेके जाए चाहे इनोवेशन की तरफ, दोनों सूरतों में एग्रीमेंट वैलिड है और पार्टीज बोथ पार्टीज आर लाइबल टू परफॉर्म प्रोमिसेस। एफ जी, हाँ बुक ने शायद इनोवेशन के हिसाब से सॉल्व किया हुआ है, लेकिन ये अल्ट्रेशन इनोवेशन दोनों बनते हैं, दोनों बनते हैं। आफ्टरवर्ड्स पहले ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हो गया यहां तक, उसके बाद जाहिद और यासर ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि गुड्स डिलीवर होगी, उसमें ये क्लियर नहीं किया कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही उन्होंने चेंज किया है कि नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो इसलिए दोनों हो सकते हैं। और मैंने आपको बताया सम टाइम अगर किसी केस के ऊपर दो लीगल प्रोविजंस अप्लाई हो रही हो तो आप दोनों दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इंश्योर कर लें दोनों का कंक्लूजन सेम होना चाहिए। अगर दोनों का लीगल प्रोविजन का कंक्लूजन डिफरेंट है ना तो एक दफा दोबारा पढ़ लें, क्योंकि नॉर्मली ऐसे तो होता है कि एक केस स्टडी के ऊपर एक से ज्यादा रिलेवेंट लीगल प्रोविजन अप्लाई हो रही होती है, ऐसे होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता कि दोनों का डिसीजन डिफरेंट हो रहा हो, एक लीगल प्रोविजन कह रही हो यस, दूसरी लीगल प्रोविजन कह रही हो नो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो ये तो इसी तरह यहां पर भी यही देखें आप, इसको चाहे अल्ट्रेशन भी अप्लाई हो रहा है इनोवेशन भी हो रहा है, लेकिन दोनों में हमारा डिसीजन सेम है कि वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट नया जो जो भी न्यू टर्म्स एग्री हुई है और पार्टीज लायबल है परफॉर्म करने के लिए। अभी तो बताया। भाई ये डेबिट हुआ इधर क्रेडिट भी कर लो, बता क्या रहा है, यही तो मैं कलम रहा था। नहीं, दोबारा एक्सप्लेन, सही एक्सप्लेन, इसका मतलब है मैं सही एक्सप्लेन नहीं किया वरना आपको समझ आ जाता। इसमें अल्ट्रेशन भी हो सकता है, इसमें इनोवेशन भी हो सकता है। हाँ अल्ट्रेशन किस तरह हो सकता है? पार्टी मैंने ना कंसेप्ट पूरा नहीं पिक किया, मैंने कहा था अल्ट्रेशन में पार्टी सेम होगी, इनोवेशन में पार्टीज हो सकता है सेम हो सकता है ना हो, इसका मतलब है सेम पार्टीज में भी इनोवेशन हो सकती है। नहीं नहीं ये मेंशन क्लियरली, मैं इसी से एग्री करता हूँ कि इसमें अल्ट्रेशन या इनोवेशन क्लियरली मेंशन नहीं है, मैं इसे एग्री करता हूँ, आपका ये पॉइंट यहां तक बिल्कुल ठीक है कि ये मेंशन नहीं है, लेकिन इसमें अब मैं ये बता रहा हूं कि दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स को लग रहा हो ये अल्ट्रेशन है वो अल्ट्रेशन की तरफ चले जाए, जिनको लग रहा है इनोवेशन है वो इनोवेशन की तरफ चले जाए, क्योंकि दोनों का सेम है कि जो भी टर्म्स एग्री हुई है वैलिड है और दोनों पार्टीज ने अपने अपना जो प्रॉमिस है उसको परफॉर्म करना है। आगे चलते एफ, अदील प्रॉमिसेस टू पेंट ए पिक्चर फॉर सलीम, सलीम आफ्टरवर्ड रिक्वेस्टेड अदील नॉट टू डू सो, अदील एग्रीज, आप ये बताइए। हाँ जी, इसमें ये कौन सा केस है, क्या ये पार्टीज ने अब अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना है, प्रॉपर्टीज पार्टीज लायबल है परफॉर्म करने के लिए? नहीं, हाँ है पर्सनल नेचर का बात ठीक है, लेकिन यहां पे पर्सनल नेचर का आर्गुमेंट नहीं है कोई, यहां पे आर्गुमेंट क्या है, दोनों पार्टीज ने एग्री कर लिया तो ये क्या हुआ, रिसियन, लेकिन ये रिसियन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट है, शाबाश, ये रिसियन बाय सिंगल पार्टी नहीं है, एक सिंगल पार्टी की भी रिसियन होती है वो फ्री कंसेंट में पड़ी थी, कंसेंट फ्री नहीं है तो एग्रीमेंट वाइड, और जिस पार्ट एग्रीड पार्टी चाहे तो उसको रिसेंट कर सकती है, ये पढ़ा था ना हमने, उसमें डैमेजेस क्लेम होते हैं उसमें, इसमें क्योंकि इसमें दोनों पार्टी ने एग्री कर लिया, किसी का फॉल्ट नहीं है, म्यूचुअल रिसीजन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, क्लियर है। एफ, एच, आजम ओव्स बाबर रुपीज 5000, आजम मकरूज है बाबर का, सम टाइम वो इंडेटेड भी लिखता है, आजम इज इंडेटेड टू बाबर, उसका भी ये मतलब है, आजम मकरूज है बाबर का, आजम पेज टू बाबर एंड बाबर एक्सेप्ट इन सेटिस्फेक्शन ऑफ होल डेट रुपीज 2000 पेड एट द टाइम एंड प्लेस एट विच द रुपीज 5000 वर पेबल, ये ज्यादा बेहतर उसने क्लियर किया है, 10 और 5000 की निस्बत, ये क्या है, रिमिशन, हाँ रिमिशन है बिल्कुल, पार्शियल पेमेंट को एक्सेप्ट करना, पार्शियल पेमेंट को एक्सेप्ट करना, बिल्कुल रिमिशन, एच क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अनम ओव्स बिलाल रुपीज 5000, सुहेल पेज टू बिलाल रुपीज 1000 एंड बिलाल एक्सेप्ट देम इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम ऑन अनम, अब यहां पे बेसिकली उसने फिर वही काम किया, ये नहीं बताया इन फुल सेटिस्फेक्शन के पार्शियल सेटिस्फेक्शन, तो इसमें नॉर्मली हम फुल सेटिस्फेक्शन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, हाँ तो अगर फुल सेटिस्फेक्शन की तरफ जाएं तो ये रिमिशन होगी, ठीक है, अनम ने अब अमाउंट पे नहीं करने, लेकिन अगर पार्शियल सेटिस्फेक्शन की तरफ जाएं कि नहीं 1000 दूसरी पार्ट, तो भी अनम की लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है 1000, खत्म नहीं हुई,
क्या क्या जिस बंदे से पैसे लेने उसकी बजाय कि दूसरा बंदा पैसे, कंसीडरेशन बाय थर्ड पार्टी, वैलिड कंसीडरेशन होती है yes, यहाँ पे कंसीडरेशन थर्ड पार्टी पे कर रहा है, क्लियर? ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल में फुल सेटिस्फेक्शन होगी, फुल सेटिस्फाइड, फुल पे नहीं किया। हाँ जी, आप दोनों डिस्कस कर सकते हैं। अगर फुल सेटिस्फेक्शन की तरफ जाए तो आपको इसमें कंसेप्ट लगाना पड़ेगा रिमिशन वाला, और अगर सिर्फ जितने पैसे दिए उतने ही सेटिस्फेक्शन की तरफ जाए तो फिर आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कंसीडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी इज वैलिड कंसीडरेशन। जे अहमद ओव्स रिजवान अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ए सम ऑफ मनी द अमाउंट ऑफ व्हिच हैज नॉट बीन एसर्टेन्ड विदाउट एसर्टेनिंग द अमाउंट गिव्स टू रिजवान एंड रिजवान इन सेटिस्फेक्शन एक्सेप्ट द सम ऑफ रुपीज 20,000। समटाइम ऐसा होता है कि किसी चीज की प्राइस जो बेच रहे होते हैं ना वो कंफर्म नहीं होती, कोई कंफर्म नहीं। जैसे समटाइम बिजनेस बेचे जाते हैं, फर्ज कीजिए कि बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग है 10 लाख की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैंने कहा भाई जान बिल्डिंग बड़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर है, इधर आप कॉलेज अपना बनाएंगे ना, एडमिशन बहुत आएंगे, स्टूडेंट बहुत आएंगे आपके, अच्छी मार्केट है, तो मुझे ज्यादा पैसे दीजिए। वो पार्टी कहेगी भाई मुझे क्या पता, पता नहीं बाद में स्टूडेंट आते कि नहीं आते। तो प्रैक्टिकली समटाइम ऐसा होता है, एडवांस लेवल पे आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मैं उनसे कहता हूं अच्छा ऐसा करें आप 10 लाख रुपए मुझे अभी दे दें, फिर अगले 5 साल तक जितना आपका इस बिल्डिंग से प्रॉफिट आएगा ना 20% मुझे देते जाइएगा। इस अरेंजमेंट में दोनों सिक्योर है, ये बायर भी सिक्योर है क्योंकि इसे पता है अगर प्रॉफिट होगा, अगर मेरी बात ठीक है जो कि फ्यूचर में साबित होनी है ठीक है कि नहीं, तो वो पैसे दे रहा होगा वरना नहीं दे रहा होगा। लेकिन इस ये अरेंजमेंट समझ आ गई आपको, इसमें क्या आप मुझे बता सकते हैं आज जब बिल्डिंग सेल हो रही है इसकी प्राइस क्या है? नहीं बता सकते, असर्टेन नहीं हो सकती, कम अज कम 10 लाख तो है लेकिन कितनी है टोटल, ये यही सिचुएशन है। अब फर्ज कीजिए, हाँ जी फर्ज कीजिए 1 साल के बाद ये कहते हैं मुझे अंदाजा हो गया 1 साल में मार्केट का क्या ऊंच नीचा है, आप ऐसा करें आप 15 लाख पकड़े, 10 लाख बिल्डिंग की अमाउंट, 5 लाख ऊपर और निकले आप, अब आपको आइंदा कोई पैसा नहीं मिलेंगे। अगर मैं ये पैसे रिसीव कर लेता हूं तो हालांकि टोटल, अब मुझे बताइए टोटल एग्रीमेंट की सेटिस्फेक्शन समझी जाएगी कि अभी भी मैंने फ्यूचर में पैसे रिसीव करने, यही कह रहा है कि अगर फुल सेटिस्फेक्शन, अगर अमाउंट अभी असर्टेन नहीं हुई, अभी कंफर्म नहीं भी हुई, ठीक है, लेकिन आपने कहा अच्छा चलिए ठीक है जितनी भी अमाउंट बनती है उसको छोड़ो मुझे इतने पैसे दे दो, मेरा कोई क्लेम नहीं होगा उसके बाद, इस तरह के एग्रीमेंट वैलिड होते हैं। के अशरफ ओव्स हबीब रुपीज 20,000 एंड इज आल्सो इंडेबटेड टू अदर क्रेडिटर्स। अशरफ मेक्स एन अरेंजमेंट विद हिज क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग हबीब टू पे देम ए कंपोजिशन ऑफ 50% अपॉन डिमांड। अशरफ मकरूज है हबीब का और बहुत से दूसरे लोगों का, वो सबको ये कहता है कि मैं 50% सबको पेमेंट कर दूंगा, मार्केट में जितने भी लोग थे वो उन्होंने एग्री कर लिया। मेक्स एन एग्रीमेंट मतलब एग्री कर लिया, मेक्स एन अरेंजमेंट का मतलब दूसरी पार्टी ने भी एग्री कर लिया है। ये ना कहिएगा कि सर इसमें लिखा ही नहीं हुआ दूसरी पार्टी ने एग्री किया कि नहीं, अरेंजमेंट हो गई। अब अशरफ 10,000 पे करता है हबीब को, क्या बाकी पैसे पे करने हैं? नहीं, रिमिशन का केस है। जे को क्या हो गया? अधीर कॉन्ट्रैक्ट विद साजे टू रिपेयर साजे हाउस। आप दोनों ने नाश्ता इकट्ठे किया ना, क्यों कभी लस्सी ज्यादा पी लेना तो फिर इस तरह हो जाता है। अधीर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, नहीं मैंने किया, ये जे नहीं किया मैंने, ये जो एग्जांपल बताई थी कि माउंट सर्टन नहीं है, माउंट कहना वो इसी के जे में बताया था। हाँ बुरी लंबी कहानी। अधीर कॉन्ट्रैक्ट विद साजिद टू रिपेयर साजिद हाउस। अधीर ने साजिद के साथ कॉन्ट्रैक्ट उसका हाउस रिपेयर कर, साजिद निकलेक्ट्स आर रिफ्यूजेस टू पॉइंट आउट टू डील द प्लेसेस इन विच हिज हाउस रिक्वायर्स रिपेयर। वो बता ही नहीं रहा रिपेयर कहाँ करनी है, रिफ्यूजल ब्रीच, जिसको आई कैप कहता है ये म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ ब्रीच है, हम कहते हैं ये एक्चुअल ब्रीच है, ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ नहीं है इसमें। अब इसमें खुद बताइए क्या अदील डैमेजेस क्लेम कर सकता है साजिद से? अच्छा अहम चीज, क्या अदील ने अभी भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है? नहीं, पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया, अब उसकी लाइबिलिटी खत्म। हाँ, उसका एक राइट है, क्या डैमेजेस क्लेम कर सकता है? ये वही केस है जिसमें हमने कहा था सिंगर को इजाजत नहीं दी होटल के मालिक ने सिंगिंग की, नहीं इसमें ब्रीच के दोनों सूरतों में हमारा आंसर सेम आएगा कि अदील ने फर्दर अपनी गुड्स या सर्विसेज परफॉर्म नहीं करने और वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। इसको आप साजिद की तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप अदील की तरफ से अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में रिफ्यूजल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं। तीनों में आपका आंसर डिसीजन सेम होगा। डैमेजेस वाली हाँ जी, डैमेजेस वाली बात जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट में नहीं होती। हाँ जी, इसलिए मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें थोड़ा सा हमारा इख्तलाफ है, केस स्टडी सॉल्व करते हुए इसमें आपने डैमेजेस की बात करनी है। केस स्टडी वो सिर्फ रटे वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था छठा पॉइंट डाल दें,
केस स्टडी में अगर ये कंसेप्ट आता है तो आपने डैमेजेस की बात लाजमी करनी, क्योंकि क्लियरली क्या आपको पता चल रहा है कि साजिद का कसूर है। अधीर बजाज सुबह सुबह पता नहीं कैसे आया, रिक्शे में बैठ के आया होगा पेंट कर रिपेयर करवाने के लिए, और वो दरवाजा नहीं खोल रहा है, उसको बता नहीं रहा। तो अधीर का डैमेजेस का राइट है वो हम लिखेंगे केस स्टडी में, एग्जाम में तो बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे नहीं, एग्जाम में आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा, आ सकता है वहां पे क्लियर हो। अरसलान एग्रीज विद हर बीइंग टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, एग्रीमेंट वॉइड है। अगर किसी एक पार्टी को पता है कि ये इम्पॉसिबल है वो डैमेजेस भी पे करेगी। एंड ए म्यूजिक हॉल वॉज रेंटेड आउट फॉर ए सीरीज ऑफ कंसर्ट, द हॉल कॉट फायर बिफोर द डेट ऑफ फर्स्ट कंसर्ट, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। क्या ये डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर का केस बनता है? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अलाउड होगी कि नॉट अलाउड? अलाउड। इसमें पार्टी दूसरे को, जिस पार्टी ने सिंगिंग के लिए आना था वो होटल के हॉल के मालिक के खिलाफ डैमेजेस क्लेम तो नहीं ना कर सकती, वो उसका कसूर ही नहीं है। ओ आतिफ एग्रीड टू सिंग ऑन अ स्पेसिफाइड डे, आतिफ फेल सीरियसली इल एंड कुड नॉट परफॉर्म ऑन दैट डे। ये क्या भाई ने क्वेश्चन पूछा, क्या डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि पर्सनली आप इनकॉम्पिटेंट हो जाएं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। नहीं, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, डिफिकल्टी नहीं, लेकिन उसमें उसका अपना कसूर तो नहीं है। अगर याद रखे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इनकर करके आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं, वो फिर सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन एक बंदा बीमार है, क्या वो एक्स्ट्रा पैसे इनकर करके ठीक हो सकता है? उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही, ठीक है? नहीं। पी जाहिद कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक इन कार्गो फॉर यासिर एट ए फॉरन पोर्ट, कि उसका कार्गो सामान लेके फॉरन पोर्ट में पहुंच जाएगा। जाहिद गवर्नमेंट आफ्टरवर्ड डिक्लेयर्स वॉर अगेंस्ट द कंट्री इन विच द पोर्ट इज सिचुएटेड, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, अलाउड के नॉट अलाउड? अलाउड। ये वार वाली एग्जांपल थी कहीं? एलियन एनिमी, हाँ ठीक है, ठीक है, शाबाश। एलेक्स एंड बोरिस कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर, बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज एलेक्स गोज मैड, सुपरमीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। और इसमें क्या था, आपने बल्कि शाबाश ये क्वेश्चन स्टार्ट में पूछा था, सुपरमीनिंग इम्पॉसिबिलिटी लाउड या नॉट लाउड? लाउड। अभी एग्रीमेंट परफॉर्म नहीं होगा। हाँ जी, आसिम एग्री टू सप्लाई गोल्ड विद इन स्पेसिफाइड टाइम, he failed to supply in time because of government's restriction on the transport of gold from collieries, ke jo rasta tha wahan pe government ne transportation ke liye ban laga diya us ilake se। acha ye asal mein main aapko case mein usne thoda sa explain karna chahiye tha, ha ji, alternate rasta nahi bataya usne। sometime ye hota hai ke government, jaise farz kijiye ke karachi ke do tajir hain, unhone aapas mein agreement kiya sugar ka, aur jis tajir ne sugar supply karni thi usne punjab se mangwa ke sugar फिर दूसरे ताजिर को सप्लाई करने थे। एग्रीमेंट होने के बाद गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि पंजाब से शुगर सिंध में सप्लाई, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में सप्लाई नहीं होगी शुगर। अब पंजाब से तो शुगर नहीं पहुंच सकती कराची, लेकिन क्वेश्चन यह है कि क्या किसी दूसरे इलाकों से शुगर इंपोर्ट करवाई मंगवाई जा सकती है? बिल्कुल, अगर दूसरे इलाकों से मंगवाई जा सकती है तो फिर ये एग्रीमेंट सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा। अब चाहे दूसरी जगहों पर महंगी राइस क्यों ना मिल रही हो, अब ये ट्रेडर उस दूसरी जगह से राइस को बाय करेगा, शुगर जो भी है उसको बाय करेगा और फिर प्रोवाइड करेगा। तो ये यहां पे उसने क्लियर नहीं करना चाहिए, ये बेसिकली किसी प्लेस का नाम वो बता रहा है, कह रहा है उस प्लेस से गवर्नमेंट ने बैन लगाया, रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि उस जगह से आप नहीं मंगवा सकते गोल्ड, लेकिन किसी दूसरी जगह से या मार्केट से या इवन इंटरनेशनल मार्केट से अगर आप मंगवा सकते हैं तो ये स्टिल वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। एस अजय, ए फर्नीचर रिटेलर एग्री टू सप्लाई सर्टन फर्नीचर टू संजय एट एन एग्री रेट, afterwards there was a sharp increase in the rates of the timber and rates of wages, since it was no longer profitable to supply at the agreed rate, Ajay did not supply, commercial impossible। kya supervening impossibility allow hoti hai? commercial impossibility mein allowed nahi hai, commercially viable na rahe, profitable na rahe, still agreement valid hai। T Alex entered into a contract with Boris for the sale of goods to be manufactured by Catherine, a manufacturer of those goods, Catherine did not manufacture those goods, A or B ne agreement kiya। अब चीजें मैन्युफैक्चर करनी थी थर्ड पार्टी ने, थर्ड पार्टी के डिफॉल्ट की वजह से गुड सप्लाई नहीं हो सकी, ठीक है? ठीक है, एलेक्स ने बोरिस को गुड सप्लाई करनी थी और एलेक्स का कैथरीन के साथ एग्रीमेंट हुआ था, तो क्या कैथरीन के डिफॉल्ट की वजह से एलेक्स बोरिस को गुड सप्लाई नहीं कर सका? ये सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी है? नहीं है, डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी अलाउड नहीं होते।
नहीं, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे तो बल्कि थर्ड पार्टी आना चाहिए। डिफिकल्टी ऑफ प्रॉमिस तो पहले वाला जाता, वो जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट गोल्ड वाली एग्जाम्पल में था, उसमें डिफिकल्टी ऑफ प्रॉमिस। You Austrian agreed to supply to Bashir certain goods to be imported from America. The goods could not be imported due to riots in that country. उसमें कुछ फसादात शुरू हो गए, हाँ, तो लॉकआउट्स वगैरह जो है इससे सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी अलाउड नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। HB agreed to let out a boat to Harry for reviewing a naval review of on the occasion of coronation of King Edward VII, यानी उसकी ताजपोशी के मौके के ऊपर, किंग एडवर्ड VII की ताजपोशी के मौके के ऊपर देखने, व्यू करने के लिए HB ने बोट ली। और दूसरा मकसद क्या था? टू सेल अराउंड द फ्लीट, कि उसने घूम फिर के सैर भी करनी है। ओइंग टू द किंग्स इलनेस द नेवल रिव्यू वाज अबंडेंट बट द फ्लीट वाज असेंबल्ड, द बोट देयर ऑफ कुड बी यूज्ड टू सेल अराउंड द फ्लीट। यानी इम्पॉसिबल, एक पर्पज फुलफिल हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। पार्शल इम्पॉसिबिलिटी एग्रीमेंट अभी भी वैलिड है, ठीक है, बोट लेनी पड़ेगी उसको, चाहे उसका एक मकसद पूरा नहीं हो रहा। चले अब आए पास पेपर के क्वेश्चन, ये थोड़ा अलर्ट हो कि आपने अटेम्प्ट करना है। व्हाट इज मेंट बाय डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट? डिस्चार्ज मतलब कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, पार्टीज नो मोर हैव टू परफॉर्म देयर प्रॉमिसेस, लाइबिलिटीज नहीं होंगी, लाइबिलिटीज कम टू एन एंड। ब्रीफली डिस्क्राइब द मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। इसका मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं बताना, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं बताना, परफॉर्मेंस नहीं बताना, सिर्फ और सिर्फ कौन सा बताना है? म्यूचुअल एग्रीमेंट। एक मिनट है, एक मिनट है जी, मेरे भाई बताइए, नोवेशन, अल्ट्रेशन, रिमिशन, वेवर, रिसीजन, ठीक है, ठीक, क्लियर, क्लियर। अच्छा मुझे बताइए, सिर्फ लिस्ट लिखनी है या एक्सप्लेन भी करना है? एक्सप्लेन भी करना है, शाबाश, 8 marks का क्वेश्चन है। और डिस्क्राइब करने को भी कह रहा है, डिस्क्राइब से भी पता चल रहा है, डिस्क्राइब करने को कहे, एक्सप्लेन करने को कहे, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन भी देनी है। लिस्ट को कहे, लिस्ट कर दें, आइडेंटिफाई कर दें, इसका मतलब है सिर्फ हेडिंग देनी है। रिफ्यूजल वाला पॉइंट इसमें लिखेंगे क्या? रिफ्यूजल वाला पॉइंट क्यों नहीं लिखेंगे? क्या इसमें रिफ्यूजल वाला पॉइंट लिखेंगे? वो तो मैंने अपना जाती नुकता नजर बयान किया था आपके सामने कि मेरे ख्याल में इधर नहीं होना चाहिए। अब जाहिर है आई कैप का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, आई कैप की क्लासिफिकेशन को फॉलो करना होगा, तो यहां पे आपको रिफ्यूजर वाला पॉइंट लिखना चाहिए। क्वेश्चन 3, रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोस अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सिनेरियो नीचे एक ही है, शायद कोई एक से ज्यादा सिनेरियो होंगे, लेकिन हमारे इस चैप्टर से रेलिवेंट यही था, तो हमने इसको निकाल के इधर ही लिख दिया। Imran Traders entered into a 1-year contract with Minhas Oils Limited for the supply of क्या gravels for their extraction project in Badin। पता नहीं क्या चीज होती है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ चीज होती है। At a fixed price of ₹30,000 per dumper। वही मतलब केस के फैक्ट समझ आ रहे होंगे कि चीज सप्लाई की जा रही है, उसका पर इतना 30,000 का रेट है। 6 months after the contract, the diesel prices increased sharply, making it non-profitable for Imran Traders to continue the supply at agreed prices. Therefore, it terminated the contract on the ground of impossibility of performance. Describe whether the contract is discharged in the above situation. पहले हम उसे बता देंगे कि subsequently supervening impossibility हो तो contract discharge हो जाता है। अच्छा मुझे बताइए, relevant legal provision लिखते हुए हम वो सारे केसेस बता देंगे जिनमें contract discharge होता है, जिनमें के सिर्फ relevant वाला, इसमें relevant वाला कौन सा है? तो बताइए क्या यहाँ पे इमरान ट्रेडर्स टर्मिनेट कर सकते हैं? ये सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी में अलाउड नहीं है, टर्मिनेट नहीं कर सकते। और अगर टर्मिनेट करते हैं तो दूसरी पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल करेगी, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं इनसे। क्लियर? सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी अलाउड का केस हो और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करें तो कोई डैमेजेस नहीं देने होते, लेकिन सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी नॉट अलाउड वाला केस है और आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करते, फिर डैमेजेस। तारीफ वाज इंडेटेड टू बशीर फॉर ₹10,000। ओज भाई, सारी एग्जाम्पल उसने हमें ओज वाली समझाई, एग्जाम में उसने इंडेटेड का वर्ड यूज कर लिया। तालिब वाज इंडेटेड टू, कोई बात नहीं, हम कौन सा सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ के गए थे, हम पास पेपर भी करके गए थे। तालिब वाज इंडेटेड टू बशीर फॉर 10,000। ऑन तालिब्स रिक्वेस्ट बशीर एग्रीड टू एक्सेप्ट जहांगीर एज हिज डेटर इन प्लेस ऑफ तालिब। तालिब ने कहा बशीर से मेरी बजाय जहांगीर से पैसे ले लो। एग्री हो गए लोग? एग्री कर। जहांगीर फेल टू मेक पेमेंट, ये नोवेशन का हो गया। नोवेशन का मतलब क्या? पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म और नई पार्टीज आ गई।
जहांगीर फेल टू मेक पेमेंट्स ऑन ड्यू डेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन वेदर बशीर कैन नाउ डिमांड पेमेंट फ्रॉम तालिब। अब बशीर तालिब से पेमेंट नहीं डिमांड, अब उसको पेमेंट किससे? जो भी उसने लीगल एक्शन लेना जहांगीर के खिलाफ लेगा, तालिब निकल गया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नोवेशन हुई, तालिब क्लियर। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? लालची ट्रेडर्स एग्री टू सप्लाई कॉटन यार्न टू फर्जी टेक्सटाइल लिमिटेड एट ए फिक्स्ड प्राइस फॉर वन ईयर। थ्री मंथ्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द प्राइस ऑफ यार्न इंक्रीज शार्पली मेकिंग इट कमर्शियली अनवायबल फॉर लालची ट्रेडर्स टू कंटिन्यू द सप्लाई एट एग्रीड प्राइस। Therefore, they terminated the contract on the ground of difficulty/impossibility of performance. Under the permission contract, I describe whether the contract would be discharged under the above circumstances. Discharge नहीं हो। अच्छा यहाँ पे मुझे जब relevant legal provision बताएंगे, तो सारी वाली provision बताएंगे या सिर्फ relevant? Relevant कौन सी वाली है? Commercial impossibility. Okay, commercial impossibility is not a valid ground of supervening impossibility. और इस केस में चूंकि commercially unviable है, ये valid ground नहीं है, इन्हें terminate नहीं करना चाहिए, contract पूरा करना चाहिए। Second, what would be your decision if Lalchi traders were importing yarn and government has imposed a ban on Rishon board? अब इसमें supervening impossibility allowed है, क्योंकि alien enemy, ये क्या government ने ban लगा? हाँ, alien enemy नहीं, ban government. Change of law लिखा हुआ कहीं पे? कहाँ लिखा हुआ? Yes sir, change of law. हाँ, change of law, बिल्कुल change of law की वजह से ban लग गया, अब ये possible नहीं है, इसमें supervening impossibility allowed है। तो पहले वाले वन वाले केस में लाउड नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। सेकंड वाले में कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की जरूरत नहीं। चलो आज के लिए मेरा ख्याल जी इतना। कोई क्वेश्चन? एक मिनट है, अभी टाइम है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ ले। ये भाई क्वेश्चन पूछ रहे जी। फर्स्ट ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था, इसमें स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा, लेकिन क्या पार्टी अगर चाहे दोनों आपस में तो रिवाइज्ड रेट पे एग्रीमेंट हो सकता है? अल्टरेशन हो सकती है रिवाइज्ड रेट पे? अल्टरेशन हो सकती है, लेकिन वो उस टाइम से पूछा नहीं, हम बताएंगे ना। जे की प्रोविजन कोई बात नहीं, प्रोविजन नहीं समझ आ रही, प्रोविजन के बगैर सॉल्व कर ले। जी वाला। देखिए जे में से हमारी वही प्रमेय अप्लाई होगी कि अगर पर्सन इन पार्शियल पेमेंट एक्सेप्ट कर ले इन फुल सेटिस्फेक्शन, तो वो वैलिड पेमेंट होती है, डेट डिस्चार्ज हो जाता है। प्रोविजन हमारी यही लगेगी। इसमें जो फर्क है वो सिर्फ ये कि टोटल अमाउंट कितनी पे करनी थी वो अननोन है, वो अननोन है। लेकिन आपको इसको पढ़ के ये लग रहा है कि जो अमाउंट पे करनी थी वो 20,000 से ज्यादा है। पहले मुझे बताएं क्या केस पढ़ के लग रहा है जो अमाउंट पे करनी थी 20,000 से ज्यादा है, और केस पढ़ के ये लग रहा है कि 20,000 दे दिया तो पूरा डेट खत्म हो गया? सिंपल, हम कहेंगे ये वैलिड है, अलाउड है, और ये रिमिशन में जाएगा। बिल्कुल, ये रिमिशन वाला केस है। नहीं, नोवेशन नहीं है, रिमिशन वाला केस है। उसमें नया एग्रीमेंट थोड़ी हुआ है कि आप इतने पैसे पे करने हैं, उसने तो पैसे दे के फारिग कर दिया उसको। अगर पैसे अभी भी, अगर कोई नया एग्रीमेंट होता और पैसे अभी भी पेबल होते आपस में पार्टीज के एग्रीमेंट के, तो फिर आप नोवेशन की तरफ जा सकते थे। अब तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है बाकी। हाँ जी, नहीं, नोवेशन में नहीं आता। अगर हमने एग्रीमेंट किया मैंने कि भाई यहाँ 10,00,000 मुझे अभी दो और फिर जितना प्रॉफिट होगा 20% मुझे प्रॉफिट का हिस्सा देते रहना, बिल्डिंग इस शर्त पे बेच रहा हूं मैं। अब इन्होंने कहा एग्रीमेंट हो गया ये, इसके बाद इन्होंने कहा जी आप 15,00,000 पकड़े और भागे और मैं 15,00,000 ले लेता हूं। ये इसमें नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। अगर एग्रीमेंट ऐसे होता ना, ये मुझे पैसे ना देते बल्कि कहते हैं कि भाई लमसम फी एग्री कर लो कि पुराना 20% की रेशियो खत्म करके लमसम 15,00,000 मैं अदा करूंगा, अदा 4 महीने बाद करूंगा, तो फिर ये नया कॉन्ट्रैक्ट बनता, क्योंकि अभी इसमें स्टिल प्रॉमिस है जो इन्होंने परफॉर्म करना। लेकिन जब उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय पेमेंट मेरे सामने रखी, तो जाहिर है ये सेटलमेंट ओरिजिनल सेटलमेंट जो एग्री हुई से डिफरेंट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, इसका मतलब है कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट लेसर टर्म्स के ऊपर खत्म हो रहा है। क्लियर हो गया मेरे भाई? चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।